हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप बार बार अपने प्लांट्स में कंपोस्ट डालकर परेशान हो? बार बार आप ये काम नहीं कर सकते हो कंपोस्टिंग का, आपको इतना टाइम नहीं है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लाई हूँ, जिससे आप एक बार अपने पॉट को भरिए और फिर आपको सालों साल तक उसमें कोई भी कॉम्पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा है वो तरीका, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ले लिया है मैंने ये खाली पॉट और इसमें देखिए, आप देख पा रहे हैं तो ड्रेनेज होल बने हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सूखे पत्तों की लेयर। तो मेरे गार्डन में जो भी सूखी लीव्स होती है, मैं उन सभी को इकट्ठा करती रहती हूँ और पॉट के नीचे डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से। फिर इसमें मैं डालूंगी एक पतली सी लेयर मिट्टी की। ये देखिए, मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल लेते हैं ताकि हमारा जो ऊपर से जो लिक्विड निकलेगा वो वेस्ट होने की बजाय इसी में स्टोर होता रहे। ये सारा जो इसका नीचे वाला जो है ये लेयर हमारी उसको एब्जॉर्ब करती रहे। तो उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास है ये किचन से निकले हुए सब्जियों के छिलके। और फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि जितने पोषक तत्व सब्जियों में होते हैं उतने ही छिलकों में भी होते हैं। तो छिलकों के पोषक तत्व हम डस्टबिन में फेंकने की बजाय हम डालेंगे अपने किचन में, सॉरी पॉट में, और पॉट में हम इसका सारा न्यूट्रिएंट्स लेंगे। ये लीजिए, एक लेयर लगा दी है, देखिए। फिर एक पतली सी लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे मिट्टी की। आप चाहे तो इसकी जगह आप किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं, चाहे आप जो गोबर की खाद है वो ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन ये खुद ही इतना न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर कि मैं इसमें और भी कोई कंपोस्ट ऐड नहीं करूंगी। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी, अगर आपके पास सॉइल नहीं है तो वो आप कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉइल है तो आप एक सॉइल की लेयर लगा सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जो हमारे आलू वाले भैया आते हैं वो मुझे मिट्टी देते हैं काफी टाइम से, पूरी सर्दी भर उन्होंने मुझे मिट्टी दी है और मेरे पास बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है गर्मी के लिए। तो इसके बाद देखिए, एक लेयर और लगाती हूँ मैं यहाँ पर किचन वेस्ट की। ये देखिए, मैंने सारे पॉलिथीन में भर के रखे हुए हैं और जब मुझे जरूरत होती है तो फिर मैं इन्हें निकाल के अपने पॉट में यूज कर लेती हूँ। थोड़े गंदे लग सकते हैं आपको, लेकिन फ्रेंड्स, अपने एनवायरमेंट को, अपनी धरती को बचाने के लिए थोड़ी गंदगी अगर सहन करनी भी पड़ती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और सिर्फ सब्जियों के छिलके ही हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई भी गंदगी वाली चीज नहीं है। इस तरीके से दबाते हुए इसको भरेंगे, एक लेयर और मिट्टी की डालेंगे इसके ऊपर। ये लीजिए इस तरीके से। ये लीजिए, तो ये हो गया है मेरा रेडी। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ जो मैंने पॉट रेडी किया था। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ टाइम पहले मैंने पॉट फिल किया था, यहां तक फिल किया था, लेकिन ये काफी नीचे तक बैठ गया है और अब इसमें जगह हो गई है मेरे प्लांट्स के लगाने की। एक और पॉट मैंने रेडी किया था, ये देखिए, इसको देखते हैं जरा खोल के अंदर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये देखिए, मटर के छिलके हैं, काफी अच्छे से हो गए हैं डीकम्पोज, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसी सीजन में मैंने इसे बनाया है, कुछ ज्यादा दिन पहले का प्रोसेस नहीं है। इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी जब मैंने इस वाले पॉट को भरा था, तो काफी अच्छे से डीकम्पोज हो गया है। देखिए, तो फेंकने की जगह देखिए, हमने काफी अच्छी सी मिट्टी अपनी तैयार कर ली है और इसको हम अभी रखा रहने देंगे ताकि थोड़ा सा और नीचे बैठ जाए और इसमें प्लांट लगाने की जगह हो जाए। तो इसमें लगाते हैं हम अपना प्लांट। तो ये तो हो गया हमारा नीचे का पोर्शन। तो मैंने जो पिछली वीडियो शेयर की थी उसमें मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि जो अपर लेयर है हमारी, जब हम प्लांट लगाएंगे तो वो हमें किसकी लगानी है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। तो ये देखिए, इसमें मैंने लिया है कॉम्पोस्ट। ये गाय के गोबर से बनी हुई खाद का कंपोस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर तरह की कंपोस्ट हमें यूज करनी चाहिए। और ये है सिंपल गार्डन सॉइल, इसको कर लेते हैं मिक्स। इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ते हुए
देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे कॉम्पोस्ट के अंदर। ये लीजिए हो गया है। अब हम इसमें लगाते हैं अपना प्लांट। ये देखिए ये मेरा चंपा का प्लांट है और मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किए थे और इसमें मैंने दो कटिंग्स लगाई थी। ये देखिए तो आज मैं इस वाले पॉट में इसी को लगाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स पिछले साल से लगा हुआ है और अभी इसको चेंज करने का टाइम भी आ गया है मेरे लिए क्योंकि फ्लावरिंग करेगा अभी ये। अब इसका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो टैप टैप करके अपने इस प्लांट को हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए आप, तो जो हमने यहाँ पे ड्रेनेज होल पे लगाया था अपना, ये इसे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी रूट को हम कर लेते हैं लूज, ये बस मिट्टी नीचे की हटा लेते हैं ताकि हमारा पॉट जो है ये सॉरी प्लांट जो है अपने पॉट में हो सके फिट। तो रख के देखते हैं पहले कहाँ तक हमारा आता है प्लांट। तो प्लांट काफी सही है, इसके ऊपर हम डालते हैं अब जो सॉइल हमने रेडी की है अभी ये वाली, हम इसी में डाल देते हैं इसको सेंटर में रख के। फ्रेंड्स प्लांट लग के रेडी हो गया है और इसमें सॉइल अब मैं बता दूं आपको बहुत ही 1/4 सॉइल हमारी जो है सेव हो गई है। सिर्फ एक ही हिस्सा इसमें सॉइल लगी है, बाकी इसमें सारा हमारा गया किचन वेस्ट। तीन पॉट मेरे हो गए हैं रेडी और जब ये मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा बैठ जाएगा, वैसे तो ये डिकम्पोज हो चुका है तो मुझे किसी और सॉइल में मिला के इसको लगाना पड़ेगा पॉट में, और जब ये मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी प्लांट। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इसमें पानी डालने की। फर्स्ट वाटरिंग जब हम करेंगे तो हम इसमें डालेंगे एप्सम सॉल्ट। ये हमेशा आप अगर करेंगे तो आपका प्लांट जो है रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। एक फुल मैं स्पून भर लेती हूँ छोटी सी, ये देखिए इस तरीके से एप्सम सॉल्ट डालने से हमारा प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है। तो मैं इसको मिक्स करके इसमें डालती हूँ और जैसे जैसे हमारा ये प्लांट ग्रो होता रहेगा नीचे हमारी कंपोस्ट बनके रेडी हो जाएगी और जितना न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को चाहिए वो इसे नीचे से मिलता रहेगा। सालों साल इसमें कोई भी कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा तरीका, एक बार इस तरीके से गमला भरेंगे तो सालों साल तक कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने प्लांट को एक बार लगाइए और भूल जाइए कॉम्पोस्टिंग करना इसमें, और सिर्फ आपको वाटरिंग करनी है, आपके प्लांट्स आपके अच्छे से चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का मेरा तरीका? अगर अच्छा लगा मेरा सॉइल कंजर्वेशन का ये तरीका, किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने का तरीका, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।